हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 15 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 1% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में 4.5% की गिरावट देखने को मिली है, 1 महीने में 2% की तेजी देखने को मिल रही है, 3 महीने में 4.5%, परंतु 6 महीने में इस स्टॉक में 16% की गिरावट देखने को मिली है, 1 साल में 38% और 2 साल में 33.5% के करीबन की गिरावट देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में देखिए तो इस स्टॉक में एक बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है, परंतु 3 महीने में इस स्टॉक में एक मामूली सी रिकवरी देखने को मिली है। जैसा कि इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है अराउंड 35 रुपीज। 35 रुपीज का इस पॉइंट पर इस स्टॉक में हाई बॉटम देखने को मिल रहा है, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है 10 रुपीज, जहां पर स्टॉक ने एक लो लगाया और यहीं से स्टॉक में एक बड़ा रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो अराउंड 12 रुपीज, 12 रुपीज 50 पैसे, 12 रुपीज 50 पैसे के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 50 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाएं और लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।